अस्सलामुअलैकुम। आज अली के दादी के किचन में मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न की कड़ी। इसको देखिए, छोटे छोटे काट के मैं इसको नमक के साथ बॉईल करके ली हूँ। इसको बहुत टेस्टी बनती है। मटन चिकन की तो कड़ी आप लोग खाते हैं, अभी ये कॉर्न की कड़ी देखना, चेक करना, खा के ट्राई करना। अभी देखो, इस तरह ये कोथमीर, ज्यादा मसाले नहीं, कोथमीर, कच्चा नारियल, लहसुन, कड़ी पत्ता और ये लहसुन और मिर्ची हरी और थोड़ी सी प्याज और ये धनिया एक चमची, जीरा एक चम्मच और थोड़ा से दो चम्मच मैदा इसमें और आखिर में नींबू जाता है इसमें, ये पीसेंगे। नारियल और लहसुन और मिर्ची इसको पीसेंगे। बहुत दिन के बाद डाल रही हूँ मैं वीडियो, ध्यान से देखना आप लोग। थोड़ा प्रॉब्लम चली थी ना घर में, इसलिए नहीं बना पाई, तबीयत भी ठीक नहीं थी। अभी आप लोग जरूर देखना ये मेरे नारियल भुट्टे की कड़ी, कॉर्न की कड़ी। कॉर्न का जब सीजन आता है ना भुट्टे का, तब बनाना उसको, बहुत टेस्टी होती है। अब इसको पीस के लेंगे। धनिया जीरा भी पीसने का है। हमारा मसाला तैयार हो गया, देखिए एकदम फाइन, एकदम अच्छा पीस लिए इसको। ये चूल्हा चालू हो गया हमारा। अब इसको बनाने का स्टार्ट करेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ी राई, थोड़ी राई, कड़ी पत्ता, थोड़ी सी प्याज, फ्राई कर लेंगे, ज्यादा नहीं। ये थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे। इसमें डालेंगे हम ये दो चम्मच मैदा। इसको अच्छे से भून लेंगे खुशबू आए तक, क्योंकि मैदा है ना, ये अच्छा खुशबू आए तक भूनेंगे इसको। मैदा भुने गया अच्छे से, इसमें प्याज और मैदा, राई, कड़ी पत्ता, इसमें डालेंगे अभी हमारा मसाला। अच्छे से भुनेंगे, इसमें नारियल है ना, नारियल, लहसुन, मिर्ची, कोथमीर, इसको अच्छे से भुनेंगे। थोड़ा मैदा है ना इसमें, इसको चिपकता है, इसलिए थोड़ा पानी। इसको अच्छे से भुनेंगे, अभी एक दो तीन मिनट भुनेंगे। अच्छा भून के, ज्यादा इजी, हार्ड नहीं है बनाना, इजी है एकदम बनाने के लिए, ज्यादा भारी नहीं पड़ेगा ये, और खाने में बहुत टेस्टी लगती है भुट्टे की कड़ी, कॉर्न की कड़ी, तो ट्राई करना। अभी मैं थोड़ा से डाल रही हूँ, क्योंकि भुट्टा बॉईल करने के टाइम मैं थोड़ा डाली हूँ उसमें, आप फिर टेस्ट करके डाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी एकदम हल्दी, थोड़ा कलर चेंज होने के लिए, एकदम थोड़ी। आप लोग जरूर ट्राई करना, ये भुट्टे की कड़ी बहुत टेस्टी होती है। लास्ट में नींबू डालना है इसमें, सब अच्छा पक जाएंगे, उसके बाद नींबू डालना। पकने को भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये भुट्टा तो अपना बॉईल हुए सो रहता है, ये कॉर्न जो है ना बॉईल हुआ था, है ना, पहले से बॉईल करे ले कुकर में। हम लोग भुने गया है मसाला अच्छे से, देखो ये तेल भी छूट रहा है इधर बाजू बाजू से, अच्छे से भून गया ये मसाला। अब इसमें डालेंगे हम कॉर्न, बॉईल किया हुआ कॉर्न है ये। कॉर्न जो बॉईल करते हैं अपन, पानी रहता ना, वो भी डाल लेगा इसमें, क्योंकि इससे टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए कितना अच्छा दिखता है, खाने में भी बड़ा टेस्टी लगता है, चावल के साथ खाओ आप लोग, अच्छे जीरा राइस बनाने का उसके साथ मस्त लगती है कड़ी। ऐसी भी अपन सूप के ऐसा भी पियेंगे ना तो भी अच्छी लगती है। इसको देखो आप लोग को जितना चाहिए उतना पानी आप लोग डाल सकते हैं, थोड़ा पकना चाहिए ये पानी डाल के। अब इसको पांच चूल्हे पे एक पांच मिनट पका लेने का, फिर लास्ट में नींबू डालेंगे इसमें। इसको अपन ढक्कन के साथ ढक्कन डाल के पांच मिनट पकाएंगे इसको। ये हमारे अब पांच मिनट हो चुके हैं,
देखिए हो गई हमारी कढ़ी तैयार। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे। बहुत टेस्टी बनती है। अब उसको हम खाने के लिए निकालेंगे। बिस्मिल्लाह। ये कढ़ी हमारी खाने के लिए तैयार है। लास्ट में मैंने नींबू डाली वो बताई नहीं आपको। लास्ट में चूल्हा बंद करके नींबू डालने का है इसमें। नहीं तो खाने के टाइम डाल सकते हैं, मगर नींबू से जरा टेस्ट अच्छा लगेगा। आप लोग जरूर ट्राई करना ये मेरी कढ़ी, कॉर्न की कढ़ी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। फिर कल आएंगे नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।